चीन से व्यापार को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। चीन में भारतीय राजनयिक मिशन ने भारत के व्यापारियों को सतर्क करते हुए कहा है कि उन्हें यहां ऑर्डर किए गए सामान के बदले बालू, पत्थर, नमक, ईंट आदि मिल सकते हैं। हो सकता है कि आइटम को कब्जे में लेने के बाद जब पैसे देने की बारी आए तो चीन के व्यापारी ठेंगा दिखा दे। मिशन ने धोखाधड़ी की घटना रोकने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। भारतीय दूतावास तथा वाणिज्य दूतावास ने विभिन्न व्यापार संगठनों को परामर्श जारी करते हुए व्यापारियों तथा लघु एवं मझोले उद्यमों को चीन के साथ व्यापार की योजना बनाते समय सतर्क रहने को कहा है। कई शिकायतें मिलने के बाद यह परामर्श जारी किया गया है। सूत्रों की माने तो गलतफहमी से बचने के लिए ऐसा किया गया है, खास तौर से यह देखते हुए कि दोनों देशों के बीच कुछ मुद्दों को लेकर खटास पड़ी है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से पाकिस्तान के आतंकवादियों और समूहों की सूची बनाने के मसले पर दोनों पक्षों में मतभेद है। परामर्श में कुछ शिकायतों को शामिल करते हुए इसमें कहा गया है कि आयातकों को खराब गुणवत्ता के सामान मिलने को लेकर सतर्क रहना चाहिए। इसमें कहा गया है कि भारतीय आयातकों को रसायन, सिलिकॉन कार्बाइड, अल्मोनियम तथा जस्ते की सिल्ली जैसे ऑर्डर के बदले बालू, पत्थर, नमक, ईंट आदि जैसे सामान भेजकर ठगा जा सकता है। अन्य शिकायतों में पेमेंट होने के बाद सामान भेजने से मना करना, मात्रा को लेकर विवाद, अग्रिम भुगतान होने के बाद बातचीत बंद कर देना, दोषपूर्ण मशीनरी को भेजना शामिल है। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें सैंपल के लिए पैसे मिलने के बाद सभी तरह का पत्राचार बंद कर दिया गया। तो हो जाइए सावधान और देखते रहिए जीबी लाइव।